Hello and namaste to everybody. I hope you guys are doing well. So welcome to a brand new episode of On the Mic with Parth. So this is a podcast series which I had started one and a half year before. I did just 3 episodes and then I did not continue for whatever reason. I have decided to start it again. You know, podcast for me personally, I really enjoy doing. I really enjoy speaking with people, having conversations and taking their interviews, because when you are talking to people from all walks of life, you get to learn so much from them. Your perspective changes towards many things. And I thought that the conversations I have, I will record it and show it to you guys. So in this episode, I am having a conversation with Tarandeep. He specializes in injuries and physiotherapy for people who are involved in trekking and mountaineering. So there are very less such people who have their expertise in this arena. So here is the first conversation with him. He's somebody I would like to do multiple interviews with, because there are a lot of topics and we can go deep into many aspects of this. But here is the first conversation with Tarandeep. I hope you guys like it. And below this video, you guys let me know what are the top 5 takeaways you had listening to this conversation. So, hello brother, how are you? I'm good, thank you so much. How are you doing? Good यार. So just हमारे viewers को थोड़ा सा background देता हूँ मैं. A few days ago you approached me and आपने एक चीज कही कि हर sport में हर कोई injuries की बात करता है और तैयारी की बात करता है, and everybody are well informed in at least the famous sports like football or cricket or baseball or basketball. Everybody knows the science inside out. Lekin there is a huge lack of awareness when it comes to training and preparation for mountaineering. And so you approached me and you said the same things to me. So I was very convinced ki we must do this conversation together. ताकि जो कुछ लोगों तक हम पहुंच पाए उनको एटलीस्ट, अगर या इफ दे आर सर्चिंग फॉर आंसर्स, इफ दे आर यू नो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी अगर क्लैरिटी हम दे पाए. सो दैट्स व्हाई वी आर हियर. एंड यस, बताइए कहां से आपको स्टार्ट करना है इस बातचीत का. तो मैं बस यही, मैं मेन चीज जो आपसे बात करना चाहता था इस चीज के बारे में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स अभी आप देखने जाओ, अगर कोई वो स्पोर्ट में एंटर करना चाहता है उसके पास रिसोर्सेज काफी है. वो बस इंटरनेट पे गूगल पे जाके वो स्पोर्ट का नाम टाइप करेगा, उसको इतना रिसोर्सेज मिल जाएगा कि ही विल बी एबल टू पुल ऑफ द इनिशियल फ्यू विदाउट गेटिंग इंजर्ड, एंड यू नो ही विल डू अ गुड जॉब. माउंटेनियरिंग एक चीज ऐसा है जहां पे आप एटलीस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली आप कुछ भी ढूंढने जाओ, रिसोर्सेज आर सो लिटिल इन इंडिया. जहां पे आपको ट्रेनिंग की बात करी जाए या इंजरीज की बात करी जाए, आपको ज्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलेगा. कहीं ऐसा एक जगह नहीं है जहां पे आप जाओ और आपको रिसोर्सेज मिल जाए. व्हेन कंपेयर टू फुटबॉल, वहां पे बहुत डेवलपमेंट है. माउंटेनियरिंग एक फील्ड, व्हेन वी लुक एट फिजियोथेरेपी एंड ट्रेनिंग, एक फील्ड है जो अनटैप्ड है अभी के लिए, एटलीस्ट इन इंडिया. आउटसाइड कंट्रीज में हमने देखा है थोड़े है लोग जो प्रोमिनेंट है माउंटेनियरिंग में, जो यू नो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं ट्रेनिंग के बारे में, इंजरीज के बारे में. तो एज अ फिजियो जब मेरे पास कोई आएगा और वो माउंटेनियरिंग ज्वाइन करना चाहता है, लाइक से ही वांट्स टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग एंड ही वांट्स टू डू इट सेफली, तो वो मेरे पास आने पर मैं एक उसका बेसिक समझूंगा कि उसका हिस्ट्री क्या है, उसका ट्रेनिंग हिस्ट्री क्या है, उसका मेंटल स्पेस क्या है. मेंटल स्ट्रेंथ, एज हमने देखा कि माउंटेनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ की. फिजिकल स्ट्रेंथ एक कंपोनेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है. मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे आप गेज करते हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेंटल स्ट्रेंथ गेज होता है? तो ये चीज बहुत सब्जेक्टिव है ना. जब हमारे पास आते हैं, हम उनको हमारे ट्रेनिंग में ही हमको समझ जाता है कि वो कितना पुश कर पाते हैं. ये असेसमेंट एक दिन में नहीं होता कभी भी, है ना. हम उनसे बातें करते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है पहले. अब वो मेरे पास आया और उसने बोला कि उसने कभी कुछ नहीं किया है, बस रेयरली कभी जिम जाके यू नो डिसकंटिन्यू किया ऐसा ऐसा. देयर इज समथिंग दैट गिव्स मी यू नो अ हिंट ऑफ व्हाट हिज माइंडसेट इज. या इफ ही इज अ मैराथनर, यू नो जस्ट रनिंग अ मैराथन इन इटसेल्फ इज अ वेरी यू नो वेरी बिग डिटरमिनेंट ऑफ हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर, राइट, जस्ट डूइंग दैट. तो जस्ट ये बेसिक सब्जेक्टिव चीजें, दिस मे बी ऑब्जेक्टिवली आई डोंट
really go into that thing because that's not my forte. I'm going to objectively identify the physical part, but the mental part, it'll help me a lot, right? So that I can talk to him, depends on how I train him, how I explain things to him. All of that depends on these things. When I understand his mental space better, I'll be able to train him better because I have to come to his level and then build him up from there. Hai na? तो वो मेंटल एस्पेक्ट हो गया. जब फिजिकल एस्पेक्ट आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं ना. ट्रेनिंग में वैसा देखा जाए तो जिम, वेट लिफ्टिंग, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ये सब बहुत कूल लगता है ना. बट अगर जब आप शुरू कर रहे हैं ना, इट्स वेरी इजी टू गेट टू फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ यू नो डूइंग गुड स्टफ लाइक यू नो मैं बारबेल उठाना चाहता हूँ, मैं डेडलिफ्ट करना चाहता हूँ. But really, you don't enter that until you have a baseline physical requirement met. You know, आपका mobility, आपका strength, आपका endurance, आपका overall cardiovascular endurance, muscle endurance अलग होता है, cardiovascular endurance अलग होता है. All of these things देख के तब जाके आप वहां पे बढ़ सकते हो. अगर ये सब ठीक है तो आप जाके training कर सकते हो. Usually क्या होता है, लोग enter करते हैं, they fall into this trap of you know doing the cool looking lifts taki you know instagramable type of videos banane ke liye wo lifts karna chahte hain, theek hai, wo karna chahte hain. Usually most of the times most of the gyms mein ye sari cheeze available hoti hain karne ke liye aur wo karna shuru kar dete hain. Kai baar kya hota hai, log shuru kar dete hain training karna aur training mein jaane ke baad first few weeks, first few months they might do good, but because of these restrictions they're not able to hit their full potential or they might get injured. Aap hi baat kar rahe ho, mujhe ek kahani yaad aayi meri. Yeah. People often ask me who was my coach, who was my mentor jisne mujhe training karna sikhaya ya. Well, very sadly I realized the importance of a coach or a mentor or a guide only after I screwed up my training very badly. What I mean by that is, I remember this when I started trekking and you know, like I seriously wanted to do Himalayan treks and peaks back in 2013-14, something like that, when I was in my engineering in Ahmedabad. Wahan pe, when I was there in my college days, I was a little, you know, heavy kind of, because wahan pe, you know, lifestyle was very like this. So somebody, some expert in my field, told me simply start running. I'm like, okay, running, I'll start running. And I ran like no one ran in the history. Just to run 2-3 hours every day 2-3 hours running in my campus area, and weight loss ho gaya zarur hua, kyun nahi hoga. Definitely. But then I got so thin suddenly in a span of 4 to 5 or 6 months. I started getting sick twice a month, and this was never happening to me, and I thought that let me go to my family doctor and see kya chal raha hai. And when he saw me, he was like, kya ho gaya bhai tujhe, itna patla kaise ho gaya tu? Maine bola, I've been training, you know, I've been training. Yes. And he asked me what I've been doing, and I told him I'm running. Like, bhai kitna bhag raha hai tu? बोल रहा हूँ रोज का 2 घंटा तो भागता ही हूँ मैं. उसका रिएक्शन काश मैं रिकॉर्ड कर पाता. but he explained to me that when you are, see this is a general perception. मैं ये कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं हर दूसरे तीसरे दिन किसी से मिलता हूँ या किसी से बात होती है मेरी जो नया है इस फील्ड में, और वो कहता है कि वो सिर्फ कार्डियो कर रहा है, सिर्फ रनिंग कर रहा है, सिर्फ साइकिलिंग कर रहा है. क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये एक परसेप्शन है कि ट्रैकिंग मींस गुड एंड्योरेंस. नाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट एंड्योरेंस इज नॉट जस्ट लंग्स एंड हार्ट, व्हिच वी कॉल कार्डियो एंड वैस्कुलर सिस्टम. नो, इट्स नॉट जस्ट लंग्स एंड हार्ट, इट इज 50% लंग्स एंड हार्ट एंड 50% ऑफ मसल्स. सो दैट डॉक्टर एक्सप्लेन्ड दिस टू मी एंड ही सेड दैट द मोर कार्डियो यू डू, द बॉडी will eat up your own fat and your own muscles to sustain the energy to give you the necessary life that is needed. If you're just doing cardio, muscles kha jayega sharir, fir strength to rahegi nahi, ekdam suki haddi ki tarah ho jaoge aap. Aapko absolutely na? To fir usne mujhe ye ek cheez samjhai ki along with cardio equal importance has to be given on strength training. Yes. And why is that? Because when you are doing cardio, as I said, muscles get depleted in some way. So to balance that out, and not just to balance that out, I mean, you have to work on your muscles to retain that muscle mass, and also to work on your muscular strength, your muscular endurance. Yeah. ये अब मैंने मेरे experience से realize किया कि if you have good muscle strength,
you will be able to do your cardio workouts better. And absolutely, if you have a good absolutely. Cardiovascular system, if you have a good cardiovascular system, you'll be able to do your strength workouts better. So it's like this. Yes. One cannot be दोनों without... complement करते हैं एक दूसरे को. हाँ. Yes. And ये मैंने गलती की थी. And उसके बाद, you know, it took me a long time and a lot of effort to build back those muscles right. up to a level where, you know, I'm at least at zero. अभी तो मैं negative right. में. So अगर यहाँ पे कोई देख रहा है, कोई नया नया है जो इस फील्ड में आया है एंड आपको लगता है कि सिर्फ एंड्योरेंस अच्छा चाहिए, व्हेन आई से एंड्योरेंस लंग्स और हार्ट्स का कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा चाहिए, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो. उससे बाहर निकलो एंड स्टार्ट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू योर स्ट्रेंथ ऑल्सो. यस एब्सोल्युटली. और आई मीन यूव क्लैरिफाइड क्वाइट अ लॉट हियर, बट ये ऑल्सो चीज लोगों को जब एंटर करते हैं, जब जब उनको कोई बोल देता है कि अभी स्ट्रेंथ, अभी देखो लाइक यू सेड स्ट्रेंथ करना भी जरूरी है, कार्डियो भी करना जरूरी है, अभी फिर से वो ऐसे मोड में चले जाते हैं कि ठीक है मैं दोनों करूंगा अभी, एंड दे एंड अप ओवर डूइंग स्टफ. अभी लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रांग जिम में नहीं हो रहे, आप स्ट्रांग जब आप रेस्ट कर रहे हो रहे, जब आप खा रहे हो रहे, जब आप हाइड्रेट कर रहे हो रहे, तब आप स्ट्रांग हो रहे. Yeah, there's a very famous saying in the world of fitness that training makes you weak, it is the recovery which is making you strong. Absolutely. यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि ओवरडू करें, है ना. हम तो स्ट्रेस एक रिएक्शन, स्ट्रेस रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, विच मेक्स यू वेरी प्रोन टू इंजरीज. अच्छा अब ये कब होता है, देर आर टू सिस्टम्स वर्किंग, ओके. एक तो बिल्डअप हो रहा है, एक तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना. जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसके बाद में जब आप रेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन जब आप जिम में वेट्स उठा रहे हैं तब ब्रेक डाउन हो रहा है, जब आप रनिंग कर रहे हैं ब्रेक डाउन हो रहा है, जब आप रेस्ट कर रहे हैं बिल्ड अप हो रहा है. इनमें से कोई भी एक सिस्टम बहुत ज्यादा फायर कर जाए तो देयर कैन बी एन इश्यू. जैसे आपने बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन किया बट बिल्ड अप बहुत कम किया तो बहुत प्रॉब्लम है. आपने बहुत कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया और बहुत ज्यादा रेस्ट किया तो इट्स नॉट फ्रूटफुल, है ना. दिस मे नॉट गिव यू एनी इंजरीज बट फॉर श्योर इट विल नॉट हेल्प यू परफॉर्म. माउंटेन में आपको दोनों पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रखना होता है कि आप स्ट्रांग भी हैं और आप इंजरी फ्री भी हैं. ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स पे. आई एम श्योर यू हैव हैड एक्सपीरियंसेस. यस यस एब्सोल्युटली. एंड अगेन ये चीज मैं खुद कर चुका हूँ. तो किसी महान इंसान ने कहीं कहा था कि बादाम खा के अक्कल नहीं आती है, ठोकर खा के आती है. तो एब्सोल्युटली मुझे तो अनफॉर्चुनेटली किसी ने उस टाइम पे बादाम भी नहीं खिलाई, बिकॉज यू नो आई वाज जस्ट अ वेरी यू नो आई वाज यंग एंड आई वाज अग्रेसिव एंड आई हैड टू मच एनर्जी, वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग. सो दैट इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन, स्पेशली इन इफ यू वांट टू यू नो बी इनटू फिटनेस एंड यू नो गेट टू अ नेक्स्ट लेवल. सो आई गेट टू दिस यू नो उसी कहानी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, इट्स इन इट्स नेचुरल प्रोग्रेशन एक्चुअली. तो उसने मुझे कहा स्ट्रेंथ और कार्डियो करो, तो मैंने बोला बढ़िया, आप तो मुझे पता है क्या करना है, नाउ आई नो इट ऑल. राइट. एक एटीट्यूड था उस टाइम पे कि मुझे सब पता है. जब भी किसी को कुछ नहीं पता होता है ना, उसको लगता है उसको सब पता है. अभी पता है, उस लेवल पे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे. तो हर चीज में सोच समझ के पूछ पूछ के आगे बढ़ता हूँ अभी, लेकिन वो टाइम था. राइट. ऐसा तो एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग कार्डियो इन द मॉर्निंग एंड स्ट्रेंथ इन द इवनिंग 7 days a week. Up to a level where I used to run with heavy backpacks in Shivaji Park and things like, you know, stupid things like this. Never run with weight on your back. And then because of this overtraining, subah ye and shaam ko strength. Yes. Like subah 1.5 hours of cardio and in the evening same amount of time in the gym, which is a very stupid thing to do. Yeah. I think it was 4 or 5 months later when I started developing a very sharp pain in my right knee. I was like, okay. स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि चलो थोड़ा दर्द है, पुश थ्रू द पेन, यू नो पुश एंड इट्स ओके. मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द हो रहा है घर बैठो, ऐसी चीज. माउंटेनियरिंग माइंडसेट. हाँ, माउंटेनियर का माइंडसेट बेसिकली. नहीं 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 नहीं, माउंटेनियर का माइंडसेट ऐसा नहीं होता. ये स्ट्रांग एंड पुश थ्रू, ये ना समझो का माइंडसेट है. एक असली माउंटेनियर, एक असली समझदार इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा. यस. तो यस, I started developing this knee pain and I went to a physio who is close to my house. He said that maine mere knees ko itna fatigue kar diya hai. I'm on the edge of a very serious injury. Hua nahi tha injury, but I'm right. on a brink of a very serious injury. So usne right. wohi kaha ki main over train kar raha hu, you know, jungle ki tarah main bas laga hua hu. So that's right. when I realized, that's when I asked him then how should it be like. Usne bola
not more than 5 days a week you should train. On the sixth day, if you want to train, it should be active recovery. Active recovery. जैसे अभी इसमें अगर हम जाए रिकवरी में अगर हम जाए तो एकदम सिंपली लोगों को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं. तो जैसे मैंने कहा कि द ट्रेनिंग विल मेक यू वीक एंड रिकवरी विल मेक यू स्ट्रॉन्ग. तो इसी सेंटेंस में इसका साइंस भी लगा हुआ है, इसके पीछे क्या है. तो व्हेन वी से द फर्स्ट पार्ट ट्रेनिंग मेक्स यू वीक, व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट व्हेन यू आर डूइंग certain workouts, certain kind of training, your muscles go into breakdown. Breakdown मतलब उनमें micro level पे cracks आते हैं, वो muscles टूटते हैं and जितना workout करो उतना intensity से वो cracks ज्यादा हो गए. तो अभी cracks हो रहा है तो that means your body is getting weaker, your muscles are getting weaker. Now those cracks, those micromuscular tears will get filled, number one, by the diet, and more importantly the protein. The crack gets filled by proteins, so the diet is the number one thing to your recovery. Absolutely. What you eat Absolutely. After your workout leading until the next workout. And the second thing which is very important is the timing between two workouts. Are you giving your muscles enough time to fill those cracks for them to recover until you hit the gym or the trails or the roads for your runs or the cycle again? ये तो चीजें हैं. And इसके अलावा stretching वगैरह, I think the stretches that we do before and after workout, they are extremely, extremely important. We'll get into it in detail. But after a workout, I would say give at least 24 hours of gap. If you at least when you are starting off, if you are at a elite level, then you already know what you are doing. But if you are starting off, don't do any kind of workout in less than 24 hours gap. Give your body enough rest. And अभी इसमें एक और चीज आती है जो नए नए होते हैं. Because मैं ये सब साइकिल से गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है लोगों के मन में क्या आएगा जब वो ये करेंगे. Right. आज सुबह आप वर्कआउट करके आए तो आप पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट. देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये तो मैं कम कर रहा हूँ, यार आई एम वेस्टिंग माय टाइम, यार क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे तो क्यों वेट करना है, आई फील गुड, आई फील स्ट्रॉन्ग, इट्स ओके, आई कैन डू इट. यस, दैट इज व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द मसल्स टेक टाइम टू रिकवर. इवन दो माइंड के लेवल पे यू आर फीलिंग कि अरे हो जाएगा, बट मसल्स को अगर आप समझो, मसल्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो उनकी रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती. यू नो, थोड़ा सा अपने आप को समझाओ कि ऐसा मुझे जंगलियों की तरह ट्रेनिंग नहीं करनी है एंड थोड़ा टाइम देना है. एंड इफ यू आर रेस्टिंग, इट डज नॉट मीन कि यू आर लेजी और यू आर डूइंग लेस, यू आर एक्चुअली डूइंग मोर. ये इसके ऊपर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो बताइए भाई. Yes. तो जैसे आपने बताया ना, मसल्स टाइम लेते हैं वर्कआउट के बाद एंड दे बिकम स्ट्रांग, यू फील स्ट्रांग, you feel that you can do much more. अभी जब आप lifting कर रहे हैं, जब आप workout कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने muscular system और cardiovascular system को load नहीं कर रहे हैं, आप अपने tendons को load कर रहे हैं, आप अपने bones को load कर रहे हैं. Usually ऐसा क्या होता है, जब आप training कर रहे हैं तब आपका cardiovascular system quickly pick up करके strong हो जाता है, आपका muscular system quickly pick up करके strong हो जाता है, but your bones and your tendon take a lot more time to adapt when compared to your muscles. तो जब मैं जिम जा रहा हूँ, मैं उठा पा रहा हूँ, मैं आज ये नहीं उठा पा रहा था, नेक्स्ट वीक मैं वो उठा पा रहा हूँ, ठीक है. बट दैट डजंट मीन कि मैं हर वीक उसको बिल्ड करता जाऊं. आई ऑल्सो नीड टू बी माइंडफुल व्हेन आई रेस्ट, है ना. मेरे को इतना ये भी याद रखना है कि मसल्स उठा पा रहे हैं, बोन्स उठा पा रहे हैं, बट आई ऑल्सो नीड टू गिव माई टेंडन्स एंड माई बोन्स दैट टाइम टू बिकम स्ट्रांग, है ना. दे टेक अराउंड 3 to 4 months. अगर मैं आज 50 kgs का डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, मेरा मसल्स अडैप्ट होके स्ट्रांग हो गया टू डू दैट 50 kgs डेडलिफ्ट, बट दैट बोन एंड दैट टेंडन्स दैट आर बीइंग लोडेड, दे टेक अ लॉट मोर टाइम देन यू एक्चुअली टुक टू गेट टू रीच 50 kgs. सो यू नीड टू गिव इट मोर टाइम एंड यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग. प्रोग्रेस करना चाहिए फॉर श्योर, बट आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ये आपको माइंडफुल होके प्रोग्रेस करना. Absolutely. अभी लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये प्रोग्रेशन हम कैसे प्लान करें, या हाउ डू वी नो दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप और व्हेन टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट शुड कम इन पीपल्स माइंड्स. एंड यस, सिंपली देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट हैविंग अ कोच और अ मेंटर और अ गाइड अराउंड यू.
especially when you are in the initial stage where you don't know what you are doing, but you want to do it. So there is simply no other way. Don't think ki after reading a few articles on training or watching a few videos on training or even listening to this podcast, you know everything about training. Right. It doesn't work that way. You have to go through months and years of training your body and mind, and then through your own experience, maybe someday we will reach at a point where you might not need anybody's guidance. But when you're starting off, please do not start off, you know, just like that by your own. जिम में जाके वेट उठाना शुरू कर दिया या अपना खुद का रूटीन बना लिया आपने, and that's when experts come in. And unfortunately, mountaineering, especially India में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक training plan specific to climbing mountains बना रहा है. Yes. So that is that is what I have started. This is actually the first time I am putting it out there. I have been training and coaching people specifically for their mountaineering and trekking and outdoor goals since the last 6 months now. I have trained over 55, 60 people. So far who have successfully gone and done their things. So that is when people like me come in. When they see the routine, the training plan, they are like, अरे ये तो बहुत easy है. मैं बोलता हूँ आप धीरे-धीरे करो ना. Easy does not mean not effective. Easy just means that I am taking you slowly, slowly on a long journey. इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा in some other video कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हो इसके लिए. लेकिन यू नीड समवन व्हेन यू आर प्लानिंग आउट योर ट्रेनिंग रूटीन. एंड देखो एक होता है ना, जैसे आपसे लास्ट टाइम मेरी फोन कॉल पे बात हुई थी, आप कह रहे थे ना, दिस इज इन स्पेशली जो हमारे पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, हिमाचली उत्तराखंड से या लद्दाख से, तो अगर आप उनका ट्रेनिंग देखो, व्हेन यू वेंट फॉर योर कोर्स, यू आस्क्ड द इंस्ट्रक्टर्स कि हाउ डू यू ट्रेन, एंड दे आर लाइक बस हम जस्ट वॉक करते हैं, हम जस्ट चलते हैं. सी नाउ दे आर डूइंग वर्कआउट, बट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्कआउट एंड ट्रेनिंग. वर्कआउट होता है जस्ट आप कुछ फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो. ट्रेनिंग इज अ स्टार्ट टू एंड प्लान्ड प्रोसेस विद प्रोग्रेशंस एंड विद ईच एंड एवरी मूवमेंट इज प्लान्ड इन दैट. अभी इंडिया में यही कल्चर है कि पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ क्लाइंब करो, सिंपली जस्ट यू नो करो, इट विल गेट यू अप टू अ लेवल. एंड स्पेशली अगर आप पहाड़ी लोगों को देखो तो उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते जो शहर से आ रहे हैं. पहाड़ों में ही पैदा हुए हैं, पहाड़ों में ही खेल के बड़े हुए हैं, ऊपर नीचे करना पार्ट ऑफ लाइफ था. तो आप उनकी बात सुन के अगर ये सोचते हो कि आप जस्ट वॉक करके ऐसे पहाड़ चढ़ के फिट हो जाओगे फॉर योर ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग गोल, इट विल गेट यू अप टू अ लेवल, बट इट विल नॉट टेक यू वेयर अ ट्रेनिंग प्लान और जस्ट अ लिटिल प्लान्ड अप्रोच can take you. So थोड़ा सा you know यहाँ पे ये gap है एक जंगली training, एक जंगली workout से लेके एक planned workout पे लोगों को लाना, उसकी importance जाना, बस यही अभी कोशिश हो रही है. तो क्या कहना आपके इस बारे में? तो इसमें अभी main चीज ये है कि देखो पहाड़ चढ़ना हो जाएगा, ठीक है, आप या तो पहाड़ी इलाके से हो, आप कहीं से भी हो, पहाड़ अगर कोई चढ़ना होगा तो हो जाएगा. बट क्या वो आपका बेस्ट होगा? नहीं. क्या आप फॉर श्योर इंजरी फ्री रहेंगे? मे बी नॉट. तो दीज थिंग्स आर व्हाट मैटर. जब आप ट्रेनिंग करते हैं यूजुअली क्या होता है, ट्रेनर्स और आप जिसके साथ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, वो प्री एंड पोस्ट एक असेसमेंट लेते हैं जो आपका लेवल नापता है ना. जब आप अपना खुद का प्रोग्रेस उन चीजों में देखेंगे, आप पहाड़ियों में उसको फील भी करेंगे फॉर श्योर, बिकॉज दैट्स व्हेन यू नो यू आर नॉट हिटिंग द वॉल. कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग जिम जाते हैं और वेट्स करते हैं और कोई यू नो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेनर ऑन द फ्लोर एंड ही टेलिंग कि ये करो वो करो ये करो, देयर इज नो रियली प्लान, है ना, बस ये करो वो करो ये करो वो. वो उसमें क्या होता है, आप फॉर श्योर फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स आप एक चेंज देखेंगे कि हाँ मैं स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, हाँ मैं बेटर फील कर रहा हूँ, श्योर, बट दैट वोंट लास्ट. वो प्रोग्रेस जो फील कर रहे हैं ना, वो कभी लास्ट नहीं करेगा. देयर विल बी वन पॉइंट जहाँ आप फुल स्टॉप हिट कर दिए हैं और उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं इससे अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. पहली बात तो आपको पता भी नहीं आप कहाँ से आए हैं, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास कुछ गोल है नहीं. तो ये दो चीज डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लेवल पे हो अभी. ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किधर पहुंचना चाहते हैं. बिकॉज मैं आज वेट्स उठाना शुरू करूं, मैं इफेक्टिवली उसको करूंगा तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई विल रीच टू अ सर्टेन गोल. बट मैं बिना गोल के करता रहूंगा तो I might, what I would usually take to hit 3 months, I might do it in 6.
वाई दैट लॉस इन टाइम, जब आप एक छोटा सा, आप एक बस छोटा सा हेल्प ले सकते हैं प्रोफेशनल से, जब आप लेके इतना बेटर कर सकते हैं, इतना जल्दी कर सकते हैं, इतना सही कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट डू इट. यस यस एब्सोल्युटली. यू नो व्हाट, या मेरे लाइफ में भी प्लाटो आया था, बहुत में बहुत लंबे टाइम चला था कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. एंड उसमें क्या हुआ था, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ना कैसे है. जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी वो कर रहा था लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है वो मुझे पता नहीं था. एंड दैट्स व्हेन आई रेड अ बुक कॉल्ड, एंड आई वुड रेकमेंड एवरीवन हु इज वाचिंग हियर, हु इज इवन रिमोटली इंटरेस्टेड इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स और क्लाइंबिंग माउंटेन्स द राइट वे, इट्स कॉल्ड ट्रेनिंग फॉर द न्यू अल्पिनिज्म बाय स्कॉट जॉनस्टन एंड स्टीव हाउस. दिस बुक इज लाइक भगवद गीता फॉर माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग, आई वुड से. एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फ्रॉम एंड्योरेंस टू मस्कुलर एंड्योरेंस टू डाइट टू मेंटल ट्रेनिंग एंड टू मोबिलिटी एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन in detail in such a beautiful way. तो वो जब मैंने बुक पढ़ा वहां से फिर मुझे समझ में आया कि मैं प्लेटो क्यों कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. एंड लकीली तभी एक कोच, एक मेंटर आया मेरी लाइफ में जिसके साथ मैंने 2 साल ट्रेनिंग की. ही टुक मी टू द नेक्स्ट लेवल कंबाइंड विद दिस नॉलेज that I had. The point I'm trying to make here is, if you are getting into mountaineering or trekking fitness, just educate yourself well. Now, there are many podcasts, many videos, and many books like these. So just educate yourself and give yourself a well-rounded knowledge so you know what you are doing. And you are not just blindly following your coach. You have to follow your coach, but you know why you are doing what you are doing. If you're just blindly doing a training, it means that you know, you are not really interested in it. आपको बस करना है, end goal से आपका मतलब है. I would say fall in love with the process as well, because if you understand why you are doing what you are doing, in my experience, due to some mysterious reason, the progress happens faster. If you know what you are doing mentally, the progress happens faster for some reason. तो जब ये होता है ना, हमारे मेरे में साथ भी जब कोई ट्रेन कर रहा है, जब मेरा कोई क्लाइंट है, जब मेरा कोई पेशेंट है, जब मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, मैं उनको कॉन्स्टेंटली समझाते रहता हूँ कि उनको पहली बात क्या फील करना है. जब मैं उनको कुछ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, क्यों हम कर रहे हैं, क्या फील करना है वो एक्सरसाइज कर, कि अगर मैंने उनसे कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज फील करवाया एंड दे आर सपोज टू फील अ बर्न इन दिस पर्टिकुलर एरिया और दे आर सपोज टू फील द एफर्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, आई नीड टू बी मोर क्लियर. तो अगर आगे से ये क्वेश्चन आए कि मैं जब ये कर रहा हूँ मेरे को ये फील हो रहा है, आप जब अपने ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहे हैं, आप उनसे क्लियरली पूछिए क्या फील करना चाहिए, क्या हो रहा है. आप कम्युनिकेट, आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. आप बस ऐसे गए, ट्रेनर ने बोला ये करो वो करो ये करो वो करो, फिर प्रोग्रेस इतना नहीं होगा. टू सम एक्सटेंट में भी यस होगा, बट जैसे आपने कहा ना कि प्रोग्रेस बेटर होता है जब मैं माइंडफुली करता हूँ, तब आप बहुत अटेंटिव हो, तब आप एक्सरसाइज को सही तरीके से कर रहे हो, तब आपको प्रोग्रेस बेटर दिखेगा. बिकॉज देर आर स्मॉल थिंग्स दैट कैन मेक एन एक्सरसाइज वेरी इजी और वेरी डिफिकल्ट. देर आर सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे डेड बग्स, अगर बता दें डेड बग्स है एक एक्सरसाइज, आप यूट्यूब करेंगे, आप वो करेंगे, आपको लगेगा इससे सिंपल एक्सरसाइज कुछ हो ही नहीं सकता. बट अगर आप सही से करेंगे उस एक्सरसाइज को माइंडफुली कि आपको क्या फील करना चाहिए, 30 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका क्या एफर्ट ले रहा है वो सिंपल एक्सरसाइज डेड बग. तो जब आप माइंडफुली करते हैं, जब आपको पता है कि आपको हाँ इधर फील होना चाहिए, अगर इधर फील नहीं हो रहा, अगर मैं जब डेड बग कर रहा हूँ, आई नीड टू फील अ बर्न अराउंड माय अब्डोमिनल एरिया, इफ आई एम नॉट फीलिंग द बर्न, आई एम नॉट डूइंग इट राइट, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. एंड देन आई नीड टू आस्क माई कोच कि कोच कैन यू सी माई फॉर्म, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग. जब वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप उसको एक्सरसाइज को बेटर करेंगे, जब आप एक्सरसाइज को बेटर करेंगे, आपका आउटकम और बेटर होगा. यस एब्सोल्युटली. एंड इसको माइंड मसल कनेक्शन, जैसे व्हेनेवर आई डू माय ट्रेनिंग, आई मेक श्योर आई एम नॉट लिसनिंग टू एनी म्यूजिक, आई एम नॉट टॉकिंग टू पीपल अराउंड मी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And I have actually made a video also on this. Somebody had asked me like 2-3 years before that, should you listen to music when you're working out? Yeah. I used to listen and then I stopped. So I know both the differences. And yes, the point here is that whatever you are doing, you should be aware of the movement, aware of the feeling. When you do this, you start understanding your training, your workout routine more. And more importantly, you start understanding your body more. And jab tak mind muscle connection, mind or muscle mein pyar nahi hota jab tak, I think wo training ek level tak hi jayega. And it will be very, very mechanical, very robotic. Just कर रहे हो करने के लिए.
लेकिन जब ये दो चीजें जुड़ती है माइंड एंड मसल, यू नो थोड़ा वो प्यार की बातें शुरू होती है, एंड प्यार में तो मजा आता ही है, फिर तो वर्कआउट करने में भी उतना ही मजा आएगा आपको। यस, वर्कआउट करते वक्त जब जब आप इतने माइंडफुली करते हैं वर्कआउट, तब आपको सच में टाइम का पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि एक घंटा तो ऐसा चला गया। नहीं तो फिर जब आप ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे हैं कि कोई बोल रहा है और मैं कर रहा हूँ, वो पूरा वर्कआउट सेशन हेल की तरह लगता है। एब्सोल्युटली, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल वांट टू लिसन टू म्यूजिक व्हेन दे आर वर्किंग आउट, बिकॉज़ फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक घंटा रन पे जाना है, एक घंटा बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, हाफ एन आवर अगर किसी को रन पे जाना है, तो विदाउट म्यूजिक मैंने देखा है लोगों को आधा घंटा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आधी जिंदगी बीत गई हो उनका, इतना लंबा लगता है। जस्ट बिकॉज वो जा रहे हैं कि उनको बस करना है, जबरदस्ती करना है, exactly. उनको वो रन से प्यार नहीं, उनको दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट दैट रन विल डू टू देम इवेंचुअली इन द फ्यूचर। वो गोल की उनकी आंखें हैं, लेकिन वो प्रोसेस पे तो उनका ध्यान ही नहीं है। तो जब मैंने म्यूजिक सुनना छोड़ा रन पे, तो इनिशियल ट्रांजिशन वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट आई रियलाइज एंड मैंने म्यूजिक सुनना क्यों छोड़ा, देखो मुझे किसी ने बताया नहीं था ये सब, मैंने म्यूजिक सुनना इसीलिए छोड़ा देख because I somewhere realized by paying a little attention, by listening to music, I'm avoiding myself actually. Because when you are not listening to anything, when your mind is just on your workout, you can see your thoughts well, and you know there's no distraction to distract you from yourself. आपके अंदर जो यहाँ पे चल रही है, जब मैंने म्यूजिक के बिना भागना स्टार्ट किया था, इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, आई वुड से आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी, वॉज गेटिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ माई थॉट्स, बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स विच यूज टू कम इन माई माइंड, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग एग्जॉस्टेड मोर ऑफन ऑन द रन्स विदाउट बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो ध्यान सारा अभी शरीर और दिमाग पे ही है मेरा। तब समझ में आया मुझे कि इफ आई पे अटेंशन टू माई स्टेप्स, to my breath, and if I breathe consciously, then the run will get much more smoother, the training will get much more better, because सारा ध्यान आपका म्यूजिक पे है तभी जब भी आप कर रहे हो, तो आपका जो भागने का स्टेप्स है that gets adjusted to the beats of the song, beats of the song, exactly, एंड उसमें हर चार मिनट पांच मिनट पे आपका रिदम चेंज हो रहा है अनकॉन्शियसली, ये जानने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है आपको। ऑन द कॉन्ट्रारी, नाउ व्हेन यू आर working out without music or running or cycling without music, what you have to do is you have to sync your steps to your breath. Now this will do a few things. This will maintain your rhythm, number one, जो बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपका steps और आपका breath linked है, तो आपकी सांसें फूलेगी नहीं, you will not get breathless, you will adjust your steps according to your breath, and एक बार आपकी सांसें अगर नहीं फूल रही है, तो आपका हार्ट बीट भी ऊपर नहीं जाएगा। ये कुछ चीजें जब आप करोगे, then you will see the magic of attention on your workout. And once you start paying attention to your workout, अगर कहीं पे कोई म्यूजिक बज रहा है, आप उससे दूर जाओगे। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, बोलोगे चुप बैठ भाई, मुझे ध्यान देने दे। I think this is a connection with yourself, which really, really needs to happen to understand your training. तो इसमें भी जब अगर ट्रेनिंग प्लान है, रनिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप बस आपने बस जूते पहने और भागना शुरू, पूरा दिन भाग के आ जाओ, उसमें भी प्रोग्रेशन देख सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका बेनिफिट कैसा हो रहा है, बाय डूइंग स्पीड वर्कआउट, बाय डूइंग फास्टलेक वर्कआउट, बाय डूइंग रिकवरी रन्स, बाय डूइंग लॉन्ग रन्स। ये सब चीज करने के लिए आपको अपना पेस समझना पड़ेगा कि आप क्या पेस पे भाग रहे हैं, क्या आपका क्या स्पीड है, क्या वो स्पीड आप बिना फोन को देखे क्या वो आप अपना स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि ये मेरा पेस है, ये फीलिंग है ये पेस का। जब म्यूजिक में रहेंगे आप अपने फीलिंग को नहीं समझेंगे, आप सिर्फ अपने म्यूजिक को सुनेंगे। जब आप बिना म्यूजिक के भाग रहे हैं, आप अपने पेस को समझेंगे और फीलिंग को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से आप अपना स्पीड वर्कआउट या रिकवरी वर्कआउट डिसाइड करके कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इफ यू पे मोर, इफ यू इवन व्हेन यू आर रनिंग, इफ यू आर मोर माइंडफुल, इट्स बेटर। एब्सोल्युटली, इवन व्हाइल रनिंग एंड बाय एनी वर्कआउट फॉर दैट मैटर। तो जिम में मैं देखता हूँ, once you go for 2 weeks, 3 weeks, तो आपके दोस्त बन जाते हैं, तो हर सेट के बीच में बड़बड़ 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 करने लगते हो, तो this just puts a lot of energy and attention in that बड़बड़ as opposed to जो energy और attention आपके वर्कआउट में लगना होता है। तो मैं जब जाता हूँ, तो लोगों को लगता है मैं बड़ा रूड सा हूँ, बड़ा एरोगेंट सा, किसी से बात नहीं करता हूँ, अपने में रहता हूँ, लेकिन वो उनका है, बिकॉज वो लोग आ रहे हैं जिम में वर्कआउट करने, मैं आ रहा हूँ जिम में ट्रेनिंग करने, समझ रहे हो?
बहुत फर्क है Absolutely, there's a big difference. Exactly. I'm yes. coming there with a purpose, with yes. a clearly defined goal for the day and a clearly defined end goal for that training. And right. And you know, आपने जो एक बात कही progression की, मैं चाहता हूँ कि उसको हम discuss करें. Because progression हम कह तो रहे हैं, लेकिन लोगों को उसके पीछे का reason और science पता नहीं है. As I said that the whole idea of a well-planned training is to first take you slowly, slowly on one step to the next step to the next step, and for you to avoid injuries. So अभी इसमें अगर कोई training plan start कर रहा, चाहे आप कोई भी हो, आप एक level पे हो आज. चलो उस level को मैं बिल्कुल zero नहीं कहूँगा. You know, कोई भी जीरो पे मैं नहीं कहूंगा, बट राइट नंबर टू लेवल पे है, सेकंड लेवल पे है, समझो थोड़ा right. सा एवरेज फिटनेस है उनकी. तो वहां से अगर 100 पे जाना है आप, तो एक तरीका है जंगलियों की तरह वर्कआउट करो, एंड यू नो आपको लगे कि आप आगे जा रहे हो, एंड इवेंचुअली जंगलियों वाले वर्कआउट्स में इंजरी आनी ही आनी है, कहीं ना कहीं किसी भी तरह का फटीग या इंजरी आनी है. दूसरा तरीका है स्लोली स्लोली एक एक लेवल को आप स्ट्रांग बनाओ, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाओ, एंड फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ राइट स्मॉल 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 ट्रेनिंग. ऐसा नहीं है कि शुरुआत ही होगी इंटेंस और एकदम फाड़ने वाले वर्कआउट से. तो जो ये प्रोग्रेशन की शुरुआत होती है, it starts with very very simple basic and roz thoda thoda karna hota hai, and isse aap body wo rhythm mein aayega, dheere dheere strength and stamina build up hoga, jis foundation pe, jis base foundation pe aap aage ka intense ya jo bhi build kare no wo kar pao. Absolutely. To agar aap training shuru kar rahe ho, in my experience 6 to 8 weeks should be your foundational period, should be your base वर्कआउट का फेज. मैं जो लोगों को ट्रेनिंग प्लान देता हूँ उसके फेजेस कुछ ऐसे होते हैं. द फर्स्ट 3 or 4 weeks इज द ट्रांजिशन पीरियड. चाहे आप कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप एक अलग टाइप के रूटीन में घुस रहे हो अभी. फ्रॉम दैट वर्कआउट रूटीन और फ्रॉम अ कंप्लीट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यू स्टार्टिंग योर वर्कआउट, 3 to 4 weeks जस्ट योर बॉडी एंड योर माइंड नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ओके सम मूवमेंट इज हैपनिंग ऑन माई बॉडी. Right, so, right. The body will take time to adjust. So that is the transition period. उसके बाद आता है base period, which is the most important period of your training routine, which will go from anywhere depending on your individual thing, which I will assess, of course. 6 to 8 weeks is what usually people take to, you know, set that foundation. And this foundational period is usually very boring. It seems boring, contrary to the idea that we have intense and fast. फटनी चाहिए. Base period में नहीं फाड़नी है. Base period में प्यार से अपने शरीर को तैयार करना है, अपने दिमाग को तैयार करना है, understanding को तैयार करना है. उसके बाद आता है specific period. तो उसमें specific to your goal, specific to your condition, I will give you a plan. अगर आपको एक 6000 मीटर पीक पे जाना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्या तैयारी करनी है वो आएगा. एंड उसके बाद जो लास्ट फेज है वो होगा अगेन, तो हम कहते हैं टेपरिंग पीरियड, रिकवरी पीरियड जैसा, जिसमें जो पीक पे आप पहुंचे हो उसको मेंटेन भी रख रहे हो, लेकिन इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम कर रहे हो, ताकि आपका जो इवेंट है जिसके तैयारी कर रहे हो आप, उस तक आप पहुंचो धीरे धीरे. बिकॉज सीधा आप पीक पीरियड पे हो अगर आप, और वहां से सीधा आप अपने पीक क्लाइंब करने या कोई ट्रैक करने चले गए, तो वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पे नहीं दे पाओगे आप. तो लास्ट का पीरियड जो है वो स्लो डाउन करना है while maintaining your workout. So अभी ये जो चीजें मैंने बोली 5 phases, ये अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो without any prior experience, तो आप धोखे में हो. तो absolutely. These are the progressions जिसकी हम बात कर रहे थे. What do you think? Right. Yes, absolutely. तो ये जो आपने first phase बोला ना, वो मेरे लिए बहुत important है. जब हम भी, हमारे यहाँ पर कोई आता है ना, before I hand over फॉर परफॉर्मेंस, है ना, हमारे, हम ट्रेनर्स के साथ भी काम करते हैं, तो हम यूजली द फर्स्ट फ्यू फेजेस देखते हैं, द फर्स्ट फेज देखते हैं, जहाँ पे या तो उनके पास, उनका कोई प्रीवियस इंजरी है, तो हम वो इंजरी को कैसे ट्रीट करना है, इंजरी वापस इंजरी ना हो, वो इंजरी ना हो या दूसरी इंजरी ना हो, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, या दूसरा जो, जैसे मैंने बताया कि मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस जो इंसान को प्रीडिस्पोज करता है इंजरी के लिए, कि ये सब रिस्ट्रिक्शंस है, मेरे को लगता है कि अगर आप पुश करोगे वापस, आप जब वो फेज में जाओगे जहां पीक करने जा रहे हो, पीक परफॉर्मेंस में जा रहे हो, तब
आपको इंजरी क्रिएट कर सकता है। तब क्या होता है ना, यूजली जब एंटर कर जाते हैं बिना असेसमेंट अगर किया, ट्रेनिंग में चले जाते हैं ये बिना एड्रेस किए, जो बेस फेज है जो बिना एड्रेस किए अगर हाई लेवल ट्रेनिंग में चले जाते हैं, तो क्या होता है बीच में या तो वॉल हिट करते हैं या तो इंजरी हिट करते हैं। ये दोनों होने से क्या होता है, आपका जो आपने जो अचीव किया वो लॉस हो जाता है। बिकॉज अगर आपको इंजरी हो गया तो आप हमारे पास वापस आएंगे, हम ऑब्वियसली वो इंटेंसिटी पे आपको करवाएंगे नहीं, वी विल अगेन असेस, आपका पेन ट्रीट करेंगे और फिर आपको धीरे धीरे बिल्ड करेंगे राइट फ्रॉम द बेस। तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट और बहुत आपका एफर्ट वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप सारे लेवल्स एक 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 करके क्लियर करके आगे जाओ तो देर इज अ हाई चांस दैट यू विल कंटिन्यू टू द पीक। इंडिया में जिस तरह के माउंटेनियर्स है और स्पेशली जो पहाड़ों से आते हैं, जो लोकल लोग है पहाड़ों के, आई मीन वो अगर सही से यू नो उनको डायरेक्शन मिले और सही से ये तैयारी हो, तो मैं जानता हूँ हर रिकॉर्ड जो माउंटेनियरिंग में एग्जिस्ट करता है, मुझे भरोसा है मेरे पहाड़ी लोगों पे, वो सारा तोड़ देंगे, इंक्लूडिंग 14 पीक्स, 6 months और सारा सारा टूट जाएगा रिकॉर्ड, मुझे भरोसा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हाँ, लोग हमारे स्ट्रांग है, गाइडेंस अगर सही हो जाए, बस वही है। दिस वाज माय मेन थिंग, यू नो, जब मैंने मेरे बीएमसी किया था तब मेरे को मैंने पोटेंशियल देखा सब में, यू नो, मैंने देखा कि इतने स्ट्रांग लोग है, सिर्फ अगर गाइडेंस सही का मिल जाए उनको, देयर पोटेंशियल इज एब्सोल्युटली क्रेजी, बहुत ब्रिलियंट लोग है हमारे पास, इट्स जस्ट उनको सही का गाइडेंस की जरूरत है। स्किल वाइज हमारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, स्किल वाइज हमारे सिखा देंगे best. और हमारे लोग भी तेज है, सीखने में ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस यू नो द अदर थिंग्स, ट्रेनिंग वाइज अगर उनका टॉप नॉच रहे तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप। नहीं सही है, आई मीन ये हमने ये पॉडकास्ट करना डिसाइड किया, आई थिंक या एब्सोल्युटली वी मस्ट स्पीक अबाउट दीस थिंग्स मोर एंड गेट इनटू मोर साइंटिफिक एंड अ मोर प्लान्ड अप्रोच टुवर्ड्स आवर ट्रेनिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड टू डू नाउ। एंड अभी अब आपके मन में और कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है आपको? आई थिंक दिस इज गुड, मे बी वी कैन डेफिनेटली ask if there are more questions. Absolutely. We can definitely ask and we can get back to them with all the answers again. Absolutely. So aapke jo bhi aap podcast dekh rahe ho ya sun rahe ho jahan bhi, agar kahin pe sun rahe ho aap to just drop in on my Instagram and send me your questions, and agar aap YouTube pe is video ko dekh rahe ho to niche comment section mein bataiye ki next agar hum so agar 10 se 12 koi questions ho jo is podcast mein cover nahi hua ho, then we can speak about it on an upcoming video in an upcoming podcast, because I'm sure there are a million questions which will come up in your minds if you are really interested in this topic. ये मैंने podcast की series बहुत time पहले शुरू की थी, लेकिन बीच में एक आध साल का break आ गया था, तो अभी थोड़ा सा मैं इसको seriously अलग अलग एक्सपर्ट्स को अलग अलग फील्ड से बुला के आप लोगों को बहुत सारी वैल्यू देने की मेरी इच्छा है, जो भी यहाँ पे देख रहे हो आप, बिकॉज बहुत साल से मेरे साथ जुड़े हो आप लोग। आई थिंक यस, इफ वी वांट टू सम अप दिस पॉडकास्ट इन शॉर्ट, देयर्स अ डिफरेंस बिटवीन वर्कआउट एंड ट्रेनिंग, एंड इफ यू आई हैव अ गोल यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डे वन से लेके डे लास्ट तक ट्रेनिंग प्लान, सो दैट यू कैन प्रोग्रेस स्लोली एंड अवॉइड इंजरीज, ये बहुत जरूरी है ना? एंड स्टार्ट टू एंड ले जाने के लिए मैं बैठा हूँ आप लोगों के पास यहाँ पे, एंड भाई भी बैठे हैं, you can get in touch with either of us and absolutely we will help you out, and anything in the end you want to say, brother? I would just like, you summed it up best, I think workout or training mein bahut difference hai, aur training ek goal ke sath karna bahut important hai, step by step jana zaruri hai, and I think that's very important, skipping steps is a very bad idea. अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुना है या देखा है, मतलब आपको इंटरेस्ट है इसमें, सो कुडोस टू यू फॉर वॉचिंग इट हियर, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ट्यूनिंग इन, एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी काइंड टू ईच अदर एंड योरसेल्फ, एंड हैव अ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वेयरएवर यू आर, व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस, एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।